हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर मेरी एक नई वीडियो में। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो पीएफ पासबुक को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर ईपीएफओ ने अब पासबुक पोर्टल पर एक बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड, आप सबको पता ही है कि 2-3 दिन से पीएफ पासबुक की साइट बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, जिस कारण सही पीएफ मेंबर काफ़ी परेशान हो रहे थे अपने बैलेंस को लेकर। लेकिन फ्रेंड, अब पीएफ पासबुक की साइट ओपन हो रही है, अब आप आराम से अपना बैलेंस और सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ ने इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया है। फ्रेंड, पहले क्या होता था कि हम जब भी लॉगिन करते थे, यहाँ पर यूर नंबर टाइप करके फिर नीचे पासवर्ड, उसके बाद यहाँ लास्ट में कैप्चा कोड टाइप करते थे, उसके बाद ही साइन इन पर क्लिक करते थे। लेकिन फ्रेंड, अब बदलाव के बाद आपको सीधा अपना यूर नंबर और पासवर्ड ही टाइप करना है, कैप्चा कोड नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईपीएफओ ने जो पासबुक पोर्टल पर अपडेट किया है उसके बाद से यहाँ पर कैप्चा कोड को रिमूव कर दिया है, मतलब कैप्चा कोड हटा दिया है। तो फ्रेंड, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पहले यूएन और पासवर्ड के बाद कैप्चा कोड भी टाइप करना पड़ता था, लेकिन अब आपको कैप्चा कोड टाइप नहीं करना है। तो फ्रेंड, ये अपडेट आप सभी पीएफ मेंबर के लिए था। हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में कैप्चा कोड को ऑप्शन दोबारा से ऐड कर दिया जाए, लेकिन हाल फिलहाल अभी इस ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया गया है।